आज हम बनाएंगे ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चावल और हरी मिर्चें, टमाटर, एक दरमियानी साइज़ कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और स्पाइसेस में हम डालेंगे गरम मसाला ज़ीरा यानी, और नमक और मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी। अब मैंने ये ऑयल में जो है एक प्याज काट के रखा हुआ है, अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और पहले इसको मैं ब्राउन कर लूँगी और फिर साथ इसमें टमाटर और लहसुन को शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। पर जो है प्याज ऑयल में डालकर चढ़ा दिया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होता है, मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल करूँगी। ये हमने इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस डालेंगे। इसमें हमने सिर्फ ज़ीरे में सिंपल बनाने हैं, तो हम गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया, हसबे जायका नमक और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालेंगे और अब हम इसको भून लेंगे। भुन गया है, अब हम इसके अंदर जो है 2.5 कप पानी मिक्स कर देंगे। ये देखें, अब हमने इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढक कर रख देंगे। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावलों को शामिल कर देंगे। हमारे जीरा राइस का जो है वो पानी बॉयल हो रहा है। जैसे ये कम्प्लीट बॉयल होता है, फिर हम इसके अंदर जो है चावलों को शामिल कर देंगे। पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावलों को शामिल कर देंगे। ये अब हम इसके अंदर चावलों को शामिल कर देंगे। चावल हमने इसमें सारे डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर हल्का सा चम्मच चलाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको दरमियानी आंच पर ढक्कन रखकर रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसको ढक्कन ढक कर रख दिया है। अब हम इसे दरमियानी आंच पर पकने देंगे और फिर 5 मिनट बाद चेक करेंगे। चावलों को चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मज़ेदार ज़ीरा राइस जो है वो रेडी है। ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार ज़ीरा राइस रेडी। ज़ीरा राइस रेडी है। ये एक सिंपल और इजी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।